सब्सक्राइब करें बाबा स्टार टेक्निकल चैनल को और साथ में बजा दें नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप भी चाहते हैं एक सिंगर बनना, आपके पास बजट नहीं है, तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी सॉन्ग को कवर सॉन्ग बना सकते हैं अपने आवाज़ में। और दोस्तों चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें, तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं बाबा स्टार टेक्निकल चैनल। तो सबसे पहले हम आएंगे यहां पे प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे यहां से वॉइस ओवर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट में ही एप्लीकेशन आपको शो करेगा, आपको सिंपली इसे ओपन करना है यहाँ से, और ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले से ही डाउनलोड कर लिया हूँ और यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को रिव्यू देख सकते हैं किस प्रकार से आपको दिया गया है, पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम इसे सिंपली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में आपको ऐड चलता दिखेगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बजट वाले एप्लीकेशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और इसमें एक खास बात है कि ये बिना इंटरनेट के भी एक्सेस होता है। तो दोस्तों इसमें आप जो भी गाना गाएंगे, फेवरेट में रखेंगे, वो सब आपको थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करें इसकी सेटिंग की, तो कोई खास नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपने हिसाब से इसे मैनेज करके रख सकते हैं, आप कैसे अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल MP3 में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं MP3 में करके रख दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, सीधा जो लाल कलर के बटन देखे हैं उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑडियो ऐड करने का सिर्फ म्यूजिक का सिंबल बना रहता है, आप वहाँ से जाके सिंपली आप ऐड कर सकते हैं किसी भी म्यूजिक को, वोकल जो कि आपको ट्रैक मिल जाता है, ठीक है। आप कुराओं के म्यूजिक का ट्रैक आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारा मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके यहाँ पे कुराओ का भी सॉन्ग डाउन गाना मतलब बना सकते हैं, ठीक है। आपको एक वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कुराओ के म्यूजिक पे कैसे गाना गाया जाता है, ओके। सो दोस्तों यहाँ पे हमें मिलता है तीन ऑप्शन, जो कि फिल्टर और इफेक्ट और मिक्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे फिल्टर पे। सो दोस्तों हम चलते हैं सिंपली इसमें मिक्स में पहले, और मिक्स में दिखा देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि आप आपको मेन ट्रैक वॉल्यूम और उसके बाद बैकग्राउंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको मेन ट्रैक जो वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, उसमें आप अपना जो सॉन्ग गाते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं उसके साउंड को, या फिर आप बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है पीछे वोकल या फिर कुराओ के म्यूजिक लेते हैं वो आप साउंड इफेक्ट दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप फिल्टर में जाएंगे तो आपको इक्वलाइजर, उसके बाद इको, गेन, पिच, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सब आपके काम के होंगे। और इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन ये है रीवर्ब, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सा सारा मिल जाता है ऑप्शन, जैसे कि आप अपने आवाज़ को चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है बाथरूम, स्मॉल रूम ब्राइट, स्मॉल रूम डार्क, मीडियम रूम, लार्ज रूम, कर्च, हॉल, तो ये बहुत सारा ऑप्शन। तो कर्च और हॉल में आप जैसे भी डालते हैं तो इसमें बहुत बेहतरीन आपका जो साउंड होता है वो इसमें बहुत ही बेहतरीन दिखाता है। जैसे कि आपके पास कोई भी एक छोटा सा होम थिएटर है, या फिर आप अपने ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, जो भी ईयरफोन है आप उसमें आप अपना साउंड सुनिए तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ऐसे आप गाते हैं, आपको बेसुरा गाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, खुद का सॉन्ग खुद को ही सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कितने लोग होते हैं जो ऐसे ही गुनगुनाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो जैसे आप यहाँ से टाइम हिस्ट्री, तो इसमें आप अपने हिसाब से टाइम को जितना चाहे उतना स्पीड करके गा सकते हैं, या फिर आप स्लो में गा सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से फिक्स करके रख सकते हैं। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा, सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा, प्रीव्यू यानी कि आपको बजा के दिखा देगा। उसके बाद आपको सिंपली साइड में आपको ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सेव कर देख सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, गाने का नाम देना है, अनप्लॉग लिख देना है, आप चाहे तो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं आपको अगर अच्छा से गाते हैं, या फिर आप ट्राई करें पहले अच्छा से मतलब तैयार हो जाए उसके लिए, उसके बाद आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप सेव कर दें, सिंपली सेव करने के बाद देख सकते हैं ये सेव हो चुका है,
उसके बाद जाएंगे हम अपने फाइल मैनेजर में, आपको दिखा देते हैं, ये सिंपली फाइल मैनेजर में भी सेव हो जाता है एक सॉन्ग जो भी आप गाए होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से आपको अलग से, आप चाहे तो राहुल जैन जैसे गाते हैं, ठीक है, लाइक राहुल जैन, बहुत से सारे सिंगर हैं, तो अभी राहुल जैन का ज़्यादा ही चल रहा है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ राहुल जैन। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल दे दिया है जो कि मेरा वोकल चल रहा है, ठीक है, जो भी मैं सॉन्ग गाया हूँ। अब इसमें क्या है कि आपको गिटार का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो मैं गिटार डाउनलोड करके रखा हूँ। अब चाहे तो लिंक दे दूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं गिटार को भी। तो यहाँ पे आप इसे मतलब बजा के और इसे रिकॉर्डिंग करके आप उसको ऐड कर सकते हैं म्यूजिक में। आपको सिंपली ऐड कर देना है और गाने के हिसाब से आप अपने यहाँ से सेट कर सकते हैं, अगर थोड़ा भी आपको गिटार बजाना आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव होने के बाद यहाँ पे बहुत से सारा ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग वगैरह बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस गिटार में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ऊपर में आप उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिस तरह से आपको बजाना है। और इसका जो साउंड है ना, और गिटार से बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं इसके लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूँ, और आपको बहुत सारा ट्यूनर एप्लीकेशन मिल जाएगा जिससे कि आपका गिटार का साउंड और काफ़ी सारा साउंड आपको देखने को वहाँ से मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।